हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेश कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो बच्चों, आई एम शैलेश कुमार, आपके सामने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यू चैप्टर 12th क्लास का लेके आया हूँ। इसमें आपको करंट के बारे में पढ़ना है, स्टडी अबाउट द करंट, लेकिन इसमें कुछ पढ़ना है चार्ज के बारे में। रियलिटी देखा जाए तो इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना है। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर वायर, फ्लो ऑफ चार्ज करता है उसी को रियलिटी देखा जाए तो करंट कहा जाता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें कंडीशन लगाया गया है चार्ज को फ्लो करने का, मीन्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करना चाहिए चार्ज, तब जाकर हम लोग करंट में स्टडी करेंगे। अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चार्ज फ्लो नहीं करता है यहाँ चैप्टर के अंतर्गत, तो फिर करंट को अदर जगह पर स्टडी किया जाएगा। इस चीज को उसका अलग चैप्टर ही है जो कंटिन्यूम और अल्टरनेट करंट की तरफ मिलेगा। करंट के बारे में देखते हैं तो आज इसके बारे में हम लोग करंट के बारे में कुछ जानेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और कुछ न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखेंगे जो बोर्ड लेवल का होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग है तो देखते हैं करंट है क्या। करंट इलेक्ट्रिसिटी द रेट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो द चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो द चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट को आई से सूचित किया जाता है, आई लेटर से सूचित किया जाता है। लेकिन यहाँ पास जो करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज है, करंट इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्यू बटा टी, की बीच मीन्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करेगा, इसके प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जानते हैं, देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया जाए तो आई जो है इंस्टेंटेनियस के लिए जो होता है इसका फॉर्मूला dQ/dt करते हैं, और आई एवरेज के लिए यहाँ पास डेल्टा की अपॉन डेल्टा टी, मीन्स यहाँ डेल्टा का मतलब आपको कोई आएगा तो देखा जाए तो डेल्टा आई एवरेज के लिए Q2 - Q1 / D2 - D1, इस पर नोमेरिकल हम लोग करेंगे। इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं तो करेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, तो फर्स्ट स्टेप फॉल इसमें जो है चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करेगा, ये कैसा ही लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। अगर देखा जाए तो यहाँ पास ऊपर क्यू है तो इसका कूलम्ब हो जाएगा। अगर नीचे देखा जाए कूलम्ब हो जाएगा, अगर टी नीचे टी
एम्पियर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, तो इसको एम्पियर कहा जाता है। बटा सेकंड करंट इज, करंट इज जो है स्केलर क्वांटिटी ऐसे कहा जाता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर देखा जाए तो ऊपर लेवल से इसको अच्छी तरह से अगर जानकारी लिया जाए तो वाकई में जो करंट है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होता है किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। जस्ट एकदम देखिए तो पानी की तरह, पानी की तरह फ्लो करता है ऊपर से नीचे की ओर। ये भी जो करंट है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी है। इसको वाकई में अगर देखा गया तो स्केलर नहीं लेकिन टेंसर क्वांटिटी भी कहा गया, टेंसर टेंसर क्वांटिटी। इसके पीछे एक और रीजन है जो कि वेक्टर, इसलिए इसे नहीं कहा गया कि वेक्टर, क्योंकि जो करंट है, करंट जो है ट्रायंगल ला को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम जो नियम है उसको ये फॉलो नहीं करता है, ये एडिटिव होता है, ये एडिटिव होता है। अगर देखा जाए तो एडिटिव, अगर करंट फॉलो, मान ली कि इधर करंट ऐसे फॉलो कर रहा है इधर से, अगर मान ली इधर से करंट, इधर से करंट मान ली कि 4 एम्पीयर गया, इधर से करंट 5 एम्पीयर गया, तो ये है जो यहाँ से अगर एंगल देखा जाए तो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वेक्टर ला को फॉलो नहीं करता है, दैट मींस ट्रायंगल ला को ये फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर एंगल से कोई मतलब नहीं, इसका एंगल से इसको कोई लेना देना नहीं है। चार्ज जो है एडिटिव होता है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। इधर 4 एम्पीयर इधर से जा रहा है और 5 एम्पीयर इधर से जा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा इसका नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा 9 एम्पीयर हो जाएगा, 9 एम्पीयर हो जाएगा यहाँ से जो निकलेगा। इसलिए चार्ज को एडिटिव देखा जाए तो मीन्स कहा जाए तो यहाँ से ऐसे अगर 90 डिग्री है, यहाँ से कुछ एंगल 45 है, जो ट्रायंगल है इसी को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल को यह फॉलो नहीं करता। It does not flow the triangle law of ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। और इसका अगर पॉइंट देखा जाए तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर यहाँ से हो गया, पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है। अब इसके रिलेटिव होता है तो जान गए ना, कुछ नो में 10 देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें हम कुछ देखेंगे जो होता है I equal to फॉर्मूला को इसको याद रखना है dQ upon dt इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस टाइम पे, मीन्स इंस्टेंटेनियस कहने का मन कहने का तात्पर्य कि कुछ पार्टिकुलर टाइम पे फ्लोइंग ऑफ चार्ज को अगर फाइंड करना है, करंट को फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर कहीं कहता है कि अगर इक्वेशन ऑफ दिया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट देखते हैं इस बेसिस पे
इक्वेशन ऑफ क्यू दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 5t स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी एट फाइंड करेंट एट टाइम 2 सेकेंड। दूसरा सेकेंड पे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एट 2 सेकेंड मीन्स दूसरा सेकेंड पे। चलिए इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पर देखेंगे I इक्वल टू dQ by dt Q का इक्वेशन यहाँ पर रखेंगे 5t2 माइनस 2 और dt यहाँ पर नीचे लगाएंगे और फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएट सेपरेट करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे 5t² अपॉन dt प्लस 2t अपॉन dt माइनस 2 अपॉन dt। तो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10t हो जाएगा प्लस 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का माइनस 0। और देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ आई यहाँ पर आई 10t प्लस 2। अब इसमें टाइम को हम पुट करेंगे 2 सेकेंड एट टू सेकेंड पर तो आई इज इक्वल टू 10 × 2 + 2 मीन्स 20 + 2 इज इक्वल टू 22 एम्पियर एट टू सेकेंड पे जो करंट फॉलो करेगा 22 एम्पियर करंट फॉलो करेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो इंटरटेनियस पे देख लिए 2 सेकेंड पे पर्टिकुलर, अब इसको एवरेज देखते हैं। अब एवरेज के लिए देखते हैं जो कि होता है एवरेज के लिए बताए हैं इसमें कि जो होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इस बेसिस पे देखेंगे। इक्वेशन ऑफ क्यू जो दिया है 6t³ − 2t 5 दिया है। इक्वेशन ऑफ क्यू 6t³ - इसको प्लस आप कर लेते हैं नेगेटिव फिर आ जाएगा करेंट का वैल्यू 6t² + 2t - 5। अगर एवरेज करंट फाइंड करना है at
जीवन जीरो से जीरो से टू थ्री सेकेंड में थ्री सेकेंड पे अब इसको देखेंगे इस फॉर्मूले पर आई इक्वल टू डेल्टा डी वाई आई इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई डेल्टा टी। तो इसमें पहले इक्वेशन है यहाँ पास, इस इक्वेशन पे टाइम को यहाँ पास रख के इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं चार्ज को Q1 अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पास T1 को यहाँ पास पुट करेंगे इस इक्वेशन में और Q1 यहाँ से फाइंड करेंगे 6 0 के क्यू प्लस टी 0 के स्क्वायर प्लस 2 × 0 माइनस 5 आ जाएगा 6 - 5 मीन्स 1 कूलम। Q2 यहाँ से फाइंड करते हैं तो देखेंगे तो 6 3 का Q प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 माइनस 5 तो 6 3 का Q 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 5। अगर इसको देखा जाए Q2 तो आ जाएगा घटाकर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 27 × 6 162 और 162 9 6 15 में से 5 गया 10 = 172। Q1 और Q2 यहाँ से आ गया। इस फॉर्मूले को इसको पुट करेंगे तो देखा जाए तो I = डेल्टा क्यू टू यहाँ लिख देते हैं Q2 - P1 / P2 - P1। तो Q2 यहाँ पास 172 और माइनस T1 1 कूलम T1 1 कूलम 1 / T2 - T1। तो T2 का वैल्यू 3 सेकंड पे और T1 का वैल्यू 0 तो 171/3 MPa आ जाएगा। चलिए लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और